क्वेश्चन नंबर 69, एक रोड दी हुई है जो 60 वर्टिकल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है, इसकी लेंथ जो है एल है, ठीक है। इसको फ्रीली छोड़ दें, जब ये 37 डिग्री एंगल बनाएगी वर्टिकल के साथ, तब हमें बताना है जो इसके टिप पे पॉइंट है उसका मास मान लेते हैं डीएम है, इस पर नेट फोर्स कितनी लग रही है ये बताना है, ठीक है। तो नेट, तो इस पर जो फोर्स होंगी वो कौन कौन सी होंगी, एक सेंटीमीटर फोर्स होगी, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होगा, और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, उनका वेक्टर एडिशन, टेंजेंशियल फोर्स और सेंटीपीटल फोर्स का। सेंटीपीटल फोर्स निकालनी है तो ओमेगा चाहिए, तो हमें ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करें, ये जो रोड थी वो ये है, फिर ये जो है 60 डिग्री के एंगल पे है, इसका सेंटर ऑफ मास जो वो यहाँ पे लाई कर रहा, फिर ये जो है 37 डिग्री के एंगल पे आ जाती है, ये वाला जो एंगल है कितना 37 डिग्री है, ये मास पार्टिकल जो है सपोज यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो इसकी जो हाइट थी पहले वो ये थी, और बाद में जो है ये हुई है, ये एच जो है, इतना एच जो है नीचे आ गया, ये वाली डिस्टेंस किसके बराबर होगी, ये एंगल 60 है, तो ये वाली डिस्टेंस जो है एल वो 60 के बराबर होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है एल वो 60 होगी, और ये वाली जो हाइट है वो किसके बराबर होगी, एल वो 37 होगी। एच जो है वो हमारा किसके बराबर होगा, एल वो 37 माइनस एल को 60 इसके बराबर होगा। इस वाली हाइट में से, इस वाली डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस घटा दी तो ये एच एल होगा, नहीं ये एल नहीं है, ये एल बाई टू है, सॉरी एल बाई टू, ये एल बाई टू, ये एल बाई टू, ये एल बाई टू, ठीक है। तो एल बाई टू जो है वो कॉमन आ जाएगा, कोस 37 फोर अपॉन 5 होता है, कोस 60 1 बाई टू होता है, एल बाई टू, टेन एल सी एम आ जाएगा, इधर 8 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा, तो ये वैल्यू किसका होगी, एल अपॉन 2 3 अपॉन 10 इसके बराबर हो जाएगी। जो एच ग्लो जो रोड है उसका सेंटर ऑफ मास जो है इतनी डिस्टेंस नीचे आ जाएगा। अब हमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है, इसमें फोर्सेस कौन सी लग रही हैं, एक वेट लग रहा है और बाकी जो भी फोर्सेज लग रही है इस यहाँ पे एंड पे लग रही है, और ये पॉइंट क्या है, स्टेशनरी है, तो नेट वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। एम जी की जगह उसकी पोटेंशियल एनर्जी ले लेते हैं, जी का वर्क एनर्जी थ्योरम लगा, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर होगी, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, एच की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 3/20 एल के बराबर है, हमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है, कोई फोर्स नहीं लग रही है, जो भी फोर्स लग रही है उनका वर्क डन कितना है, जीरो है। एम जी की जगह उसकी पोटेंशियल एनर्जी ले लेते हैं, प्लस चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, एम जी जो है कितना नीचे आ गया, माइनस एम जी एच प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, फाइनली तो इतना इनिशियली कितनी थी, जीरो थी, रोड जो थी स्टेशनरी थी, इसको इधर लिए आते हैं, एम जी एच, एच की वैल्यू किसके बराबर है, 3/20 एल के बराबर है, हाफ जो रोड है इस एंड के अबाउट रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एम एल स्क्वेयर बाई 3, एम एल स्क्वेयर बाई 3 ओमेगा स्क्वेयर इसके बराबर हो जाएगा। एम से हमारा एम कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से 10 आ जाएगा, इस एल से ये एल कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर रहेगी, इधर आके क्या हो जाएगा, 9/10 जी अपॉन एल इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। ओमेगा जो है वो हमारा क्या होगा, इसके बराबर होगा, इसका ओमेगा सेंटर तो हर पॉइंट का ओमेगा तो क्या होगा, सेम होगा, जो सर्कुलर मोशन के डायमेंशन अल्फा थीटा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी वो सब पार्टिकल के लिए क्या होती है, सेम होती है,
तो सेंटीपीटल एक्सेलरेशन निकालेंगे, सेंटीपीटल एक्सेलरेशन तो किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर इनटू एल, ये डिस्टेंस इस, अब डीएम की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट का सेंटीपीटल एक्सेलरेशन निकालें तो डीएम इनटू ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर है, 9/10 जी अपॉन एल इनटू एल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ये तो सेंटीपीटल फोर्स जो है वो किसके बराबर होगी, डीएम इनटू सेंटीपीटल एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू किसके बराबर, 10/g इसके बराबर हो जाएगी इनटू डीएम। अब हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी चाहिए, तो टेंजेंशियल फोर्स है वो किसके बराबर होगी, टेंजेंट एम इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा, तो हमें टॉर्क निकालना पड़ेगा इस पॉइंट पे, टॉर्क कितना लग रहा है, टॉर्क जो होगा वो किसके बराबर होगा, आई अल्फा, तो इस वाले पॉइंट पे एम जी जो है इसका नीचे एक्ट कर रहा है, तो इसका ये वाला एंगल जो है 37 है, इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, एम जी साइन 37 कहाँ पे एक्ट कर रहा है, एल बाई टू पे एक्ट कर रहा है, आई जो है इसका कितना है, एम एल स्केयर बाई 3 इंटू अल्फा, तो ये हमारा क्या जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा, मास से मास कैंसिल हो जाएगा, इस एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, जी साइन 37 3/5 1/2 इज इक्वल टू एल अपॉन 3 इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इसको इधर लिया आते हैं, 9/10g अपॉन एल के बराबर हो जाएगी, टेंजेंशियल फोर्स जो है वो किसके बराबर होगी, मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, मास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसका था, अल्फा इंटू डिस हाफ आर किसके बराबर, एल के बराबर, इसकी आप देखिए, तो ये मास तो इसका कितना है, डीएम, डीएम अल्फा, अल्फा की वैल्यू है 9/10g अपॉन एल इंटू एल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, नेट फोर्स निकालनी है हमें, नेट फोर्स किसके बराबर होगी, टेंजेंशियल फोर्स को इस डायरेक्शन में है, इसकी जो टेंजेंशियल फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है, सेंटीपीटल फोर्स इस डायरेक्शन में, दोनों परपेंडिकुलर है, जो सेंटीपीटल फोर्स है वो इस डायरेक्शन में, टेंजेंशियल फोर्स वो इस डायरेक्शन में, हमें एक्सेलरेशन निकालना है, नेट फोर्स निकालना है, नेट फोर्स किसके बराबर, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या सेम है, तो जो नेट फोर्स है वो क्या होगी, एफ टी का स्क्वेयर प्लस एफ सी का स्क्वेयर, मैग्नीट्यूड सेम है तो किसके बराबर, रूट एफ टी के बराबर हो जाएगी या एफ सी के बराबर हो जाएगी, रूट टू 9/10g टू डी एम, ये आंसर हो जाएगा, तो नेट फोर्स होगी जो पार्टिकल पर एक्ट करेगी वो किसके बराबर होगी, रूट टू 9/t g डी एम के बराबर होगी।